हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टडी गाइड। तो दोस्तों, चैनल स्टडी गाइड में सभी आप सभी का एक बार स्वागत है। इस वीडियो में हम एनसीएल आईटीआई का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, और जैसे कि मैंने बताया था आपके लिए एक आईटीआई का बुक और बहुत सारा बुक आप लोगों के लिए सॉल्व आने वाले हैं। आपका जो पहला डिमांड था कि आईटीआई का एक बुक सॉल्व करा दो, तो आपका जो एक जो पब्लिकेशन है उसका नाम याद नहीं है, तो मैं उसको ऑर्डर दिया हूँ, तो और वो आ जाने पर मैं उसको पूरा आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, इफ ए ट्रांसफार्मर कोर इज मेड ऑफ कॉपर, अगर ट्रांसफार्मर का कोर कॉपर से बना हुआ होता तो, यदि ट्रांसफार्मर कोर तांबे से बना होता तो क्या होता। देखिए, तो ये रहा कोर आपका, जहां से फ्लक्स आपका जाता है, इधर से इधर फ्लक्स जाता है ना। ठीक है, अगर ये तांबे से बना होता तो हम लोगों का जो एडी करंट लॉस होता है ना, एडी करंट लॉस ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो होता है, मतलब रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो अगर ये तांबे से बना होता, रेजिस्टिविटी घट जाता और एडी करंट लॉस बढ़ जाता, यानी कि आयरन लॉस बढ़ जाता। ठीक है, आयरन लॉस इंक्रीज हो जाता। ठीक है, तो चीज समझ में आई, क्वेश्चन नंबर 51 है। ठीक है, और देखिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि आईटीआई का बुक, मैं एक बुक ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका हूँ फ्लिपकार्ट से, तो मैं कोशिश करूंगा हर शाम दो वीडियो देके उस बुक को पूरा खत्म किया जाए। ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल का बुक है। अगर किसी भी बुक आप चाहते हैं कि ये सॉल्व कर देने से आपका बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका बहुत अच्छा होगा, तो वो बुक का नाम आप वीडियो के अंदर जो कमेंट बॉक्स है उसमें बता सकते हैं। ठीक है, जैसा कि कौन सा बुक आप चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप बता सकते हैं, या इलेक्ट्रिकल हो या तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो नॉन टेक्निकल वाले हैं वो बुक भी बता सकते हैं हम लोगों को, तो हम वो भी सॉल्व कर देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एफिशिएंसी ऑफ टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर अंडर लोड कंडीशन कैन बी डिटरमाइंड बाय, ठीक है, अंडर लोड कंडीशन, इसको हम बैक टू बैक टेस्ट कहते हैं, ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं जा रहे हैं। ठीक है, लोड अवस्था में दो समान ट्रांसफार्मर की दक्षता किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, वो होता है बैक टू बैक परीक्षण। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 53। If a transformer is core is made of copper and the coils are made of steel wire, then, तो अगर आपने ये करता तो क्या होता? मतलब अब इस फिगर को देखिए, ये वाला जो है ये किससे होता है? ये CRGO स्टील से होता है, लेकिन ये मैंने कॉपर से कर दिया, और जो वाइंडिंग है, ठीक है, कुछ इस तरह से वाइंडिंग होता है ना, आपने देखा होगा वाइंडिंग कुछ इस तरह से होता है, तो अगर वाइंडिंग कुछ इस तरह से है तो वाइंडिंग मैंने क्या कर दिया, वाइंडिंग मैंने स्टील वायर स्टील से कर दिया, तो क्या होगा, स्टील का क्या है, रेजिस्टिविटी ज्यादा है, मतलब जो आई स्क्वायर आर होगा, रो ज्यादा है मतलब आर ज्यादा है, अगर आर ज्यादा है तो आई स्क्वायर आर भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर इज जीरो इवन एट फुल लोड, ठीक है, अगर फुल लोड हो जाता है तभी कौन सा चीज जीरो हो जाता है। अभी ट्रांसफार्मर को आप गौर से देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए एक ट्रांसफार्मर आपको दिखा रहा है, तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर जो होता है देखिए कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इसमें कोई फ्रिक्शनल लॉस नहीं है, फुल लोड पे भी इसका कोई फ्रिक्शनल लॉस नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। फिफ्टी फाइव जो बोला गया है, स्कॉट कनेक्शन होता है ना, स्कॉट कनेक्शन कुछ इस तरह से होता है, ये वाला जो ट्रांसफार्मर होता है ना, ये वाला ट्रांसफार्मर 50% होता है। ठीक है, जो टैपिंग होता है 50% वो इस ट्रांसफार्मर पे होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ क्लियर नहीं है, मेरा पास तो क्वेश्चन कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी होगा, लेकिन क्वेश्चन मेरा सामने क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन जो फिगर होगा स्कॉट कनेक्शन का, जो फिगर होगा वो ये वाला फिगर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए टैप चेंजर इज यूज्ड ऑन ए ट्रांसफार्मर फॉर, टैप चेंजर क्यों यूज किया जाता है? ठीक है, अभी देखिए टैप चेंजर क्या होता है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, एक जो व्हील है ना, जो ड्राइविंग व्हील होता है, उस ड्राइविंग व्हील की तरह वो एक होता है, तो वो एक आप सेटिंग करते हैं एक पे और जो सेकेंडरी वोल्टेज होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, ड्राइविंग व्हील आप चेंज करते हैं तो आपको मिल जाएगा और भी पिक्चर, तो उसमें देखता है ऊपर में एक चक्का वाला कुछ रहता है, तो उसको घुमा घुमा कर आपको वोल्टेज एडजस्टमेंट करता है, सेकेंडरी का वोल्टेज आपका एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आंसर होगा क्या, आंसर होगा बी। ठीक है, ओवर करंट इन अ ट्रांसफार्मर इफेक्ट, ओवर करंट कौन सा इफेक्ट होता है? ओवर करंट अगर होता है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, मतलब टेम्परेचर राइज हो जाता है, अब मैकेनिकल स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा आता है, इंसुलेशन का जो लाइफ होता है वो भी घट जाता है, इसका मतलब आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, 58, करंट ट्रांसफार्मर कैन बी यूज्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, करंट ट्रांसफार्मर कौन सा इंस्ट्रूमेंट के द्वारा यूज किया जा सकता है, कौन सा करंट ट्रांसफार्मर की उपयोग निम्नलिखित में से किस उपकरण के साथ किया जा सकता है, कौन से उपकरण के साथ किया जा सकता है? देखिए एक बात देख लीजिए, यहां पर देखिए ये है सिटी, ठीक है, ये है सिटी का कोर जहां पर आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है और यहां से प्राइमरी करंट जा रहा है, प्राइमरी करंट फ्लक्स इंड्यूस कर रहा है सेकेंडरी कोर पे, हॉलो कोर, और इसमें एमीटर के द्वारा हम माप रहे हैं, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इसका जो सिंगल लाइन डायग्राम होता है कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए आंसर होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिटिंग ऑन द ट्रांसफार्मर, कौन सा फिट नहीं होता है। ठीक है, देखो एक बार पिक्चर देख लो, आसान हो जाएगा सब कुछ। देखिए यहाँ पर कौन सा फिट होता है, कंजर्वेटर टैंक, ब्रीदर, मेन टैंक, टैंक कवर, ऐसा कुछ फिट होता है। ठीक है, देखिए कंजर्वेटर टैंक, ब्रीदर, बुकल्स, ये सब फिट होता है, कम्यूटेटर जो होता है वो डीसी मशीन पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर डिपेंड, रिएक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? ठीक है, रिएक्टेंस डिपेंड करता है आपका लीकेज फ्लक्स, जो मैं बता रहा था लीकेज फ्लक्स क्या होता है, देखिए यहाँ पर कुछ फ्लक्स है। ठीक है, ये जो फ्लक्स है इस यहाँ पर बहुत सारे फ्लक्स है, कुछ फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी से लिंक कर रहा है, कुछ फ्लक्स जो है सेकेंडरी से लिंक नहीं कर रहा है, जो लिंक नहीं कर रहा है वही लीकेज फ्लक्स है, इसलिए फाइल फाइल टू फाइल वन यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, फाइल वन फाइल टू ये वाला लीकेज फ्लक्स है और ये वाला म्यूचुअल फ्लक्स है, क्योंकि ये प्राइमरी टू सेकेंडरी लिंक कर रहा है। ठीक है, तो चलो तो आज का वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो कल शाम तक आ जाएगा, और मैं फिर बताना चाहूंगा हम लोगों का एक टेक्निकल चैनल है जिसमें बहुत सारा गैजेट्स का रिव्यू आता है, वो प्रैक्टिकल चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हम लोगों को सपोर्ट कीजिए और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हम लोग एक आईटीआई बुक आप लोगों के सॉल्व कर रहे करना चाहते हैं, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा बुक आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आपका डिमांड क्या है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मुलाकात होगी।